किलो ही भेजे, एक एक कर मंच पर आए और अपना एप्लीकेशन कट। नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। पंचकुला में आज हरियाणा सरकार ने 18 पटवारियों और कानूनगो को सम्मानित किया। कोविड 19 के दौरान चकबंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। हरियाणा सरकार के चकबंदी विभाग द्वारा आज पंचकुला में सेक्टर 1 स्थित रेड बिशप में राज्य भर के कुल 18 पटवारियों कानूनगो को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, राजस्व विभाग व आपदा प्रबंधन विभाग के राज्य मंत्री अनूप धानक मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे थे। विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि कोविड 19 का दौर और 2 साल का समय बहुत ही मुसीबत भरा था। उन्होंने कहा कि अभी कोविड की अगली लहर आने की संभावना बताई जा रही है, सभी सतर्क रहें और सावधानी बरतें। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यकुशलता की सराहना करते हुए कहा कि उनके साहस और सही मार्गदर्शन के कारण देश में ज़्यादा नुकसान होने से बच गया। पल पल पंचकुला से तारा ठाकुर की खास रिपोर्ट। करके एक विशेष मुलाकात आपने की पंचकुला को लेकर, उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, हमारा जो डंपिंग ग्राउंड है उसको लेकर के काफी देर से नगर निगम प्रयास कर रहा है और एनवायरमेंट क्लियरेंस को लेकर के पहले 10 साल की परमिशन मिली थी, उसकी रिन्यूअल हमारी केंद्र के पास एनजीटी के पास पेंडिंग है। उसी विषय को लेकर के मैं और मेयर साहब, आदरणीय जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं श्री भूपेंद्र यादव जी, उनसे मिले थे और उनसे प्रार्थना की है कि जल्दी ही वो एनवायरमेंट क्लियरेंस सर्टिफिकेट एनओसी जो है वो हमें दे दें, ताकि शहर के अंदर जो हमने स्वच्छता को लेकर के अभियान शुरू करने जा रहे हैं उसके अंदर और गति आए और पंचकुला को स्वच्छ और सुंदर बना सके। किया गया है, कितने लोग थे और किस प्रकार से ये जो सम्मानित करने का कार्यक्रम हुआ? देखिए, सरकार समय समय पर अपने जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको अच्छे कार्यों के लिए सम्मानित करती रहती है। आज राजस्व विभाग की तरफ से जो हमारे चकबंदी के पटवारी हैं और कर्मचारी हैं, उनको कोविड काल में और उसके पश्चात आम जनता की सेवा करने में जो उन्होंने निपुणता दिखाई, जिस मेहनत से कार्य किया, आज उनको सम्मानित भी किया गया है और कुछ कर्मचारियों को हीरो ग्रुप की तरफ से आज उनको मोटरसाइकिल की चाबी भी दी गई, ताकि वो फील्ड में जाकर के अच्छे ढंग से लोगों की सेवा कर सके। और जो आने जाने के अंदर उनको दिक्कत रहती है, कहीं कमी रहती है, वो कमी पूरी हो सके। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के कार्य करने से, इस प्रकार के प्रोत्साहन से कर्मचारियों का, अधिकारियों का हौसला बढ़ता है और वो आगे अधिक ताकत के साथ, अधिक साहस के साथ और अच्छा कार्य करते हैं। कितनी बाइकें दी गई हैं सर? कुल आज 7 बाइकें जो हैं वो 7 हमारे कर्मचारी हैं उनको दी गई हैं और इसके अलावा बहुत सारे लोगों को प्रशस्ति पत्र भी दिए गए हैं उनकी अच्छी सेवा के लिए। इससे पहले भी इस प्रकार के कार्यक्रमों के अंदर 43 जो है लोगों को पहले भी मोटरसाइकिल की चाबियां दी गई हैं और पूरे प्रदेश के अंदर वो जो कर्मचारी हैं जिन्होंने चकबंदी के लिए या कोविड काल के अंदर जो उनकी ड्यूटियां लगी थी, अच्छे कार्य किए हैं, ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दिया। सर, इससे इधर एक सवाल है, आप भी और मेयर साहब भी प्रोग्राम था, इसके बारे में बताइए, सम्मानित किया गया? आज हमारे डिपार्टमेंट के जो पटवारी कानूनगोट हैं वो जो बहुत ही कोविड के दौरान उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था, अपनी जान जोखिम में डाल दी, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने पीछे चीन में 43 पटवारियों को जो बाइक देने का काम किया और 7 आज जो बाइक दी गई है और 11 प्रशंसित पत्र आज दिए गए हैं, तो उन्होंने जो हमारे पटवारी हैं बड़े बधाई के पात्र हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनसे यही आग्रह करता हूँ कि आगे भी वो
समाज सेवा का इसी तरीके से काम करते हैं।